यहाँ पर हम पुष्पदल विन्यास को समझने वाले हैं। आप देख सकते हो पुष्पदल विन्यास, यहाँ पर आपके एनसीईआरटी में चार प्रकार के पुष्पदल विन्यास बताए गए हैं। यहाँ पर देख सकते हो जो आ नंबर है ये कोर स्पर्शी को बता रहा है, बा नंबर जो है ये व्यवर्ती को बता रहा है, सा नंबर है ये कोर छादी को बता रहा है, और दा नंबर है ये वैक्सिलरी को बता रहा है। तो ये चार देख सकते हो, है ना। आज हम लोग थोड़ा यहाँ पे व्यवर्ती प्रवाद करने वाले हैं। व्यवर्ती में क्या होता है, प्रत्येक दल स्वयं अगले दल से ढका भी जाता है और स्वयं अगले दल को ढकता भी है, है ना। तो ये पॉइंट याद रखना, ये स्वयं ढकता भी है और ढका भी जाता है। यहाँ पे एक हम आपको एग्जांपल दिखा सकते हैं, ये देखिए मुझे पुष्प दिख गया तो मैंने कहा चलो आपको बता दिया जाए, थोड़ा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। देख सकते हो यहाँ पर मैं पुष्प किस प्रकार दिखा रहा हूँ आपको, यहाँ पर देख सकते हो एक दल ढक भी रहा है और ये स्वयं दूसरे को ढकने का प्रयास कर रहा है, स्वयं ढका भी जा रहा है, ठीक है। इस प्रकार ये आप देख सकते हो, ठीक है, है ना, क्लियर हो गया होगा। धन्यवाद।